कर स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के कैंडिडेट SSC GD एडमिट कार्ड स्टेटस किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। एक्सेप्ट हुआ तो किस डेट में एग्जाम है, किस सिटी में एग्जाम है और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे राइट साइड में घंटे के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा sarkaribol.com, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आ रहा है SSC GD एडमिट कार्ड 2023, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हमने आपके लिए आर्टिकल तैयार कर रखा है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इस पेज पे आप नीचे की तरफ आ जाइएगा। इस पेज पे जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा SSC GD सेंट्रल रीजन एडमिट कार्ड स्टेटस, और यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा SSC GD नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एडमिट कार्ड स्टेटस। तो जितने भी रीजन है सभी रीजनों का हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। अब जैसे आपको देखना है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का देखना है तो नीचे यहाँ पे भी आप देख सकते हो SSC नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो यहाँ पे जो है इसमें कौन कौन से आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। इस पेज पे जैसे नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हेड कॉन्स्टेबल, यहाँ पे मिनिस्ट्री वाला हो गया। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आओगे तो यहीं पे आपको दिख जाएगा ये वाला स्टेटस/डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कॉन्स्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। तो इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके थोड़े नीचे आ जाते हैं इस पेज पे, और ये जो है बॉक्स इस पे क्लिक कर देंगे। इस बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज भी आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपकी मेल में आपको दिख जाएगा जो आपने SSC GD का फॉर्म भरते टाइम डाली थी, उसको उसको आप लॉग इन कीजिएगा, उसमें सर्च कीजिएगा SSC स्पेस रजिस्ट्रेशन, तो उसमें आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है आपको तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, नाम अपना यहाँ पर डाल दीजिए, फर्स्ट 3 डिजिट भी आप डाल सकते हो या फुल नेम अपना डालना चाहते हो डाल सकते हो, मदर नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिएगा और सर्च स्टेटस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। एक्सेप्ट हुआ है तो किस डेट में एग्जाम, किस सिटी में एग्जाम, किस शिफ्ट में एग्जाम है, और एडमिट कार्ड की बात करें तो जिस डेट में भी आपका एग्जाम है उस डेट से चार दिन पहले या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो इजिली यहीं से ही। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो है इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, उस पर क्लिक करके सीधा आप देख सकते हैं। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिए और घंटी दबा कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।